इस शुक्रवार को एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका टाइटल है मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी, और आज इसी फिल्म के राइटर डायरेक्टर करण राजदान हमारे स्टूडियो में है। फ्रेंड्स, लेट्स प्लीज वेलकम हिम। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू करण। मुझे ये बताइए, मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी बड़ा अनयूजुअल सा टाइटल है, तो ये किसकी सोच है? ऑब्वियसली मेरी सोच है। पहले कई टाइटल्स आए इसके दिमाग में, यू नो, इंडियन टूरिस्ट फॉरेन यात्रा, और पंख, यू नो, पंख मीनिंग द एयरप्लेन, करेक्ट, एंड ऑल दैट, बट नथिंग साउंडेड राइट, एंड द प्रेशर वॉज माउंटिंग बिकॉज फिल्म की शूटिंग के लिए निकलना था। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था और मुझे लगा मिस्टर ऑन छुट्टी, तो छुट्टी के साथ क्या राइम करेगा? तो मैंने कहा मिस्टर कुट्टी, तो मैंने कहा नहीं, कुट्टी साउथ का कैरेक्टर हो जाएगा, सो इसको ऑल इंडिया बनाना है। मैंने कहा मिस्टर भट्टी। अच्छा, ऐसे ऐसे आया। सो ऐसे ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। और शूटिंग के लिए जाना था, मगर कई बार ऐसे देखा गया है कि फिल्म की शूटिंग हो जाती है और टाइटल रखते नहीं है, तो आपको ये था कि शूटिंग के शुरू होने से पहले टाइटल रखना चाहिए? हाँ, बहुत जरूरी होता है, बिकॉज क्या है, वो हमारा ऑलमोस्ट स्टार्ट टू फिनिश था। एक महीना हमने लेक डिस्ट्रिक्ट में शूटिंग की, यूके में, तो कई बार टाइटल जो है वो उसका गाना भी बनता है। दूसरी बात है, वो टाइटल कई बार फिल्म में हिट करता है, यू नो, डायलॉग्स में होता है। सो इट्स वेरी एसेंशियल अकॉर्डिंग टू मी एज अ राइटर डायरेक्टर दैट यू गेट द टाइटल फर्स्ट। या, और ये फिल्म पूरी की पूरी, लगभग पूरी की पूरी यूके में शूट हुई है। यस, इज दैट बिकॉज प्रोड्यूसर यूके के हैं कि वैसे भी कहानी वहां की स्थित थी? नहीं, एक्चुअली इस फिल्म का प्रोसेस पूरा रिवर्स था। एक लेक डिस्ट्रिक्ट जैसी जगह है जहां यश जी ने एक फिल्म का श्रीदेवी जी के साथ कहा एक टुकड़ा किया था गाने का, लेकिन वहां कई इंग्लिश फिल्में, फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन एंड ऑल दैट, वो शूट हो चुकी थी। विंडमेयर लेक एंड विंडमेयर एज अ प्लेस इज वेरी फेमस, मतलब दुनिया के रिच एंड फेमस वहां हॉलीडे करने आते हैं। सो उस गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर बॉलीवुड हमको एक फिल्म बना ले यहां, तो इंडियन टूरिज्म अब तक है नहीं वहां, तो इंडियन टूरिज्म शुरू हो जाएगा। सो वी वर इनवाइटेड, आई वाज इनवाइटेड एज अ डायरेक्टर। तो सब्सिडी, अच्छी सब्सिडी मिली होगी? सब्सिडी वो तो अब प्रोड्यूसर से पूछना चाहिए, वो कभी अच्छा नहीं बताता कि अच्छी मिली है या बुरी मिली है। कोई प्रोड्यूसर बताता है कि पैसे मैंने कितने कमाए? लेकिन हाँ, उन लोगों ने फैसिलिटीज, यानी लिवरपूल एयरपोर्ट, जॉन लेनन एयरपोर्ट, आई मीन द स्टाफ, फिल्म स्टाफ फुट का, हमें कहीं शूटिंग करनी हो, कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट शूट। सो दे लेड आउट द रेड कार्पेट फॉर यू, द रेड कार्पेट इन टर्म्स ऑफ होटल्स, इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, एंड बीबीसी गेव मी 5 असिस्टेंट्स। अच्छा, ऑन देयर एक्सपेंस। वो भला क्यों? बस, इट ऑल केम एज अ पैकेज। ओह, दैट्स वेरी नाइस। आपने कई फिल्में बनाई हैं न्यू प्रोड्यूसर्स के लिए, हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीन विद न्यू प्रोड्यूसर्स? बिकॉज न्यू प्रोड्यूसर्स थोड़ी टिपिकल होते हैं, दे डू नॉट नो द फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीन? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस मेरी पिछली दो फिल्मों में बहुत अच्छा नहीं रहा न्यू प्रोड्यूसर्स के साथ। तो इसलिए जो भी अब आता है और मुझे कहता है फिल्म बनानी है आपके साथ, तो मैं बोलता हूं कि एक पन्ना दिखाता हूं आपको, ऐसे करके पन्ना दिखाता हूं, वो बजट होता है, लेकिन उसमें 3 करोड़ ऊपर लिखा होता है प्रमोशन। अच्छा, प्रमोशन में प्रॉब्लम हो जाती है? एग्जैक्टली, बिकॉज ये प्रोड्यूसर्स फ्री हैंड देते हैं मुझे फिल्म बनाने में, दे अच्छी बनाऊं बुरी बनाऊं, बट दे ऑलवेज गिव मी अ फ्री हैंड। बट फिल्म खत्म होती है तो उसके बाद यू नो प्रमोशन का क्या होगा? जब तक पब्लिक तक पिक्चर किट का टाइटल, पिक्चर की थीम, पिक्चर की कहानी कुछ नहीं पहुंचेगी, गाने, तो फिल्म का क्या होने वाला है? तो ऐसा क्यों होता है कि नए प्रोड्यूसर्स प्रमोशन का इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाते हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई डोंट नो, मे बी ये जो मैंने कहा ना, पन्ना दिखाता हूं अभी जिसमें ऊपर प्रमोशन लिखा होता है, वो उनको लगता है कि बस फिल्म बनाना, हाँ जी फिल्म बनानी है। अच्छा, पर प्रमोट हो नहीं हो, वो फिर इन द सेंस वो फिर जो है कहता है वो कोई और कर ले। वैसे मित्तल वर्सेस मित्तल में वी गॉट अनदर पार्टी हु अप्रोच्ड अस एंड दे कंप्लीटली टुक ओवर द रिलीज, अबाउट 1.5 करोड़ स्पेंट बाय देम,
बट जो प्रोड्यूसर को 25 लाख खर्च करना था उसमें भी नहीं, उसमें वो 15 लाख में डंडी मार गया. I have learned a lesson, वही पन्ना दिखाना. तो नए प्रोड्यूसर्स, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्शन में आना चाहते हैं, प्रोडक्शन में घुसना चाहते हैं. दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द कॉन्टैक्ट समटाइम्स विद द लेसर स्टार्स या स्मॉलर स्टार्स, मगर उन्हें पता नहीं. तो उनके लिए आपका एडवाइस क्या होगा कि व्हाट शुड दे डू बिफोर दे कम इन टू फिल्म्स? मैं कहता हूं छोटी फिल्म बनाने आते हैं, ठीक है, करेक्ट. मैं उन प्रोड्यूसर्स की पहले बात कर लेता हूं. छोटी फिल्म बनाने आते हैं, 3 करोड़ की फिल्म बनाइए, 3 करोड़ की प्रमोशन कीजिए, वो सोचकर आइए. हाँ, 2.5 करोड़ की फिल्म बनाइए, आजकल डिजिटल कैमरास आ गए हैं, करेक्ट. 2.5 करोड़ की फिल्म बनाइए, मगर 2.5 करोड़ प्रमोशन, 3 करोड़ की, 3 करोड़ बल्कि 50 लाख की और ज्यादा प्रमोशन, बिकॉज आजकल प्रमोशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग अ फिल्म. एब्सोल्युटली. एंड जो बड़ी फिल्म बनाने आते हैं उनके लिए, उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि थोड़ा उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए फिल्म मेकिंग का, नहीं बट बजटिंग का, और फिल्म बनती किस तरह है, एटलीस्ट एक प्रोसेस समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कोमल जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि यहां कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो कि इन्हीं की ताक में है. यू नो, उनको फिल्म बनाना मकसद नहीं है, फिल्म चाहे अधूरी रह जाए लेकिन वो इतना साइड में कर लें पैसा, वो बहुत उनके लिए जरूरी है. तो वो ताक में रहते हैं कि ऐसे कोई नया प्रोड्यूसर आए, जिसे हम फिल्मी लैंग्वेज में कहते हैं नया बकरा आए. नया बकरा आए. इन लोगों को नए डायरेक्टर्स नहीं लेने चाहिए जो नए प्रोड्यूसर्स होते हैं, बिकॉज दो डिपार्टमेंट जब नए हो गए तो फिर पीछे के डिपार्टमेंट्स या तो सफर करते हैं और या तो माल बना लेते. सो इट शुड आइदर बी अ न्यू प्रोड्यूसर और अ न्यू डायरेक्टर, बट नॉट बोथ न्यू. बोथ शुड नॉट बी न्यू. मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी की बात करते हैं. अब जाहिर है कि स्टारकास्ट फिल्मों के बीच में एक अनुपम खेर ऑफकोर्स इज स्टार, बट एक सेलेबल हीरो या सेलेबल हीरोइन नहीं है, तो फिर कितना मुश्किल हो जाता है ऐसी फिल्मों का रिलीज होना? भाई, जब तक कोमल जी फिल्म ताजा थी, एक के बाद एक कॉरपोरेट्स आते गए. मैं उनके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ऑफर, यू नो, फिल्म की फर्स्ट प्रिंट निकलने से पहले, यू नो, एक बहुत बड़ी कंपनी है, कॉरपोरेट है, उन्होंने आया, एडिटिंग में देखा. ओह, अनफॉर्चुनेट. और वो ऑफर देके गए. फिर उसके बाद एक और कॉरपोरेट, फिर एक और कॉरपोरेट ने कहा ओके, हमें पार्टनरशिप चाहिए इस फिल्म में. अनफॉर्चुनेटली, व्हाटएवर. तो आपको लगता है कि अब बिकॉज ऑफ दिस टाइम गैप, टाइम स्पैन जो निकल गया, उससे कोई फिल्म के बिजनेस पर या फिल्म पर असर पड़ा है? नहीं. वो इसलिए क्योंकि 4 साल पहले भी जब मैंने फिल्म शुरू की थी और 3 साल पहले खत्म की थी, तो अनुपम खेर मुझसे कहते थे कि तूने वक्त से पहले फिल्म बना दी है ये. तो हिज वर्ड्स प्रूव वेरी प्रोफेटिक. या तो मुझे लगता है आज के वक्त के लिए तो एब्सोल्युटली आप भी देखेंगे फिल्म, ऑफ कोर्स. बिल्कुल सही है. चलो, दैट इज अ वेरी नाइस थिंग कि डिले हुआ लेकिन ये डिले फिल्म को अफेक्ट नहीं कर रहा है. और इत्तफाक से आपकी फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब हैं और अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म के सामने ही आप लोग आ रहे हैं, तो ये कोई प्लान तो नहीं था, आई एम श्योर. ये कैसे प्लान हो सकता है? बिकॉज ये तो कोइंसिडेंस ही हो सकता है. क्योंकि हम तो नहीं चाहते थे कि, हम चाहते थे कि इतने अरसे से अमित जी की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, तो चलो हमारी हो. नो प्रॉब्लम. कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि दो फिल्में एक हफ्ते में लगती है और दोनों चल जाती है. लेट्स जस्ट होप दैट बोथ द फिल्म्स रन. रियली करण जी, यस, विशिंग यू द वेरी बेस्ट. एंड जैसे हिंदी में कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट रिलीज तो हो रही है. एंड लेट्स जस्ट होप दैट, होप फॉर द बेस्ट एक्चुअली. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, ये थे करण राजदान, द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी, विच इज रिलीजिंग दिस फ्राइडे. तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपके डायरी में मार्क कर लीजिए, एटलीस्ट कीप वन डे वन शो फॉर दिस फिल्म. छोटी फिल्म है, डिलेड है, लेकिन जैसे करण जी ने बताया, द डिले विल नॉट रियली अफेक्ट द फिल्म, बिकॉज एक्चुअली जब बनी थी इट वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम्स. तो अब इस फिल्म का समय आ गया है. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही.